स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में ढेर सारी बातें हुई, ढेर सारे लोगों का इलाज भी हुआ और ढेर सारे लोगों के सवाल और जवाब भी है। भाई ढेर सारे लोगों का सवाल है कि सर एक बार ये बात तो समझाइए कि स्ट्रक्चर होता क्यों है और स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सबको तो इन्फेक्शन होता है, सबको तो नहीं स्ट्रक्चर बनता है, फिर हमें दो ही बार इन्फेक्शन में क्यों बन गया भाई। तो बात सही भी है, ऐसा क्यों होता है। आज के अपने इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बेसिक कॉज के बारे में बताएंगे और स्ट्रक्चर बनता कैसे इसके बारे में हम बताएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी के अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉज बिहाइंड द यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ढेर सारे कारण हैं। जब आप यूरेथ्रा की एनाटॉमी को समझेंगे कि ये ऊपर से नीचे कैसे आती है, सबसे पहला पार्ट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर आगे से टर्क कर्व करते हुए ये फिनाइल यूरेथ्रा के फॉर्म में नीचे आती है। प्रोस्टेट की 3-4 ऐसी पैथोलॉजीज होती हैं जिसमें ये स्ट्रक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ जाना जैसे BPH के केसेस में होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर के केसेस में होता है, या फिर कभी किसी मरीज की प्रोस्टेटिक सर्जरी हुई हो, इन तीनों चीज़ों में इस बात के चांसेस रहते हैं कि वो स्ट्रक्चर बने। दूसरी जो सबसे मेजर कॉज होती है वो किसी तरह का ट्रॉमा मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और इन्फेक्टिव हो सकता है। ट्रॉमा में सपोज दैट, हम ये नहीं बोल रहे सारे सिस्टोस्कोपी में ऐसा होता है, चाहे सारे RCU में ऐसा होता है, लेकिन आपने किसी भी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अंदर इंसर्ट किया और उसने इतना सीवियर ट्रॉमा पैदा कर दिया कि जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाते हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से यदि इन्फेक्टिव ट्रॉमा की बात करें तो ढेर सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो बहुत दिनों तक जब परसिस्ट करते हैं और या फिर उस थ्रेशोल्ड को जब क्रॉस करते हैं तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेटल होते हैं। तो ये कुछ मेजर कॉज हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। वो लोग बहुत अनलकी होते हैं जिनमें एक नॉर्मल इन्फेक्शन जो मुश्किल से कुछ दिनों तक परसिस्ट रहे और फिर वो दोबारा सेटल्ड हो जाता है स्ट्रक्चर के फॉर्म में। एक बात हमेशा समझने की कोशिश करेंगे, अक्सर मैं लोगों से बताता रहता हूँ, हर एक चीज़ की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है और थ्रेशोल्ड वैल्यू पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। जैसे किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन हुआ तो भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, किसी को 5 बार सिस्टोस्कोपी हुई तो भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, किसी को बार बार मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ तो भी स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, किसी को बार बार प्रोस्टेटिक सर्जरी हुई तो भी उसको स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ। सो दैट्स वाई पर्सन टू पर्सन जो थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग होती है। यही चीज़ होम्योपैथिकली मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसी वजह से स्ट्रक्चर के हर एक मरीज की दवाइयाँ, हर एक मरीज की पोटेंसी अलग अलग होती, क्योंकि सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन भी एक जैसा नहीं होता है। सो दैट्स वाई कई बार लोग हमसे सीधे सवाल पूछते हैं, सर स्ट्रक्चर की दवा बता दीजिए। लिटरली बता रहे हैं, हम ऐसी 10-12 दवाइयाँ बता सकते हैं जो स्ट्रक्चर में काम करती हैं। आप नोट कर सकते हैं, चिमाफिल अच्छा काम करती है, साइलिशिया अच्छा काम करती है, क्लिमेटोसिरेक्टा अच्छा काम करती है, कैलकेरिया ग्रुप की दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं, आर्निका अच्छा काम करती है, मैग ग्रुप की दवाइयाँ, मैग मेरेटिकम अच्छा काम करती है, आर्निका अच्छा काम करती है, नेट्रम्यूर भी कई बार अच्छा अच्छा काम करती है। इसके अलावा मैग्नीशिया ग्रुप की दवाइयाँ जैसे मैग म्यूर के अलावा मैगफॉस भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मल्टीपल ऑफ द ऐसी दवाइयाँ हैं, सबल सेरुलाटा भी बहुत अच्छा काम करती है, मल्टीपल अब जैसी दवाइयाँ होती हैं जो स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं। ये तो ऑर्गेनिक मेडिसिन हो गई जिसको आप जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि केस हिस्ट्री लेते समय बहुत यूनिक सी और SSUP सिम्टम आता है, जैसे किसी मरीज ने बोला कि सर यूरिन फिनिश कर लेते हैं उसके बाद में जलन शुरू होती है, यूरिन करते समय इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मेडिसिन अलग। सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर रहे हैं लेकिन लास्ट जो SSUP सिम्टम होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यदि वास्तव में वो सिंगल स्ट्रेंज रेयर अनकॉमन एंड पिक्यूलियर हुआ तो। सो दैट्स वाई इतना आसान काम नहीं होता है स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट मेडिसिन सेलेक्ट करना, क्योंकि वास्तव में केस हिस्ट्री के बाद से प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि किस सिम्टम को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके अलावा हायरार्की अरेंज करनी पड़ती है, यदि कॉजेटिव फैक्टर नज़र आता है तो कॉजिशन को देखना पड़ता है, कुछ SSUP सिम्टम होते हैं तो उसको देखना पड़ता है, इसके अलावा एबनॉर्मल मॉडलिटीज़ होती हैं उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो फाइनल आप जब केस लेते हैं तो आपको लगता है नहीं ये दवा होनी चाहिए,
और जब फाइनली केस एनालाइज करके जब आप उसे रिपोर्टराइज करते हैं तो मालूम होता है अरे कुछ नहीं, ये तो एक नई तरह की दवा आ रही है। और कई बार सरप्राइजली ऐसा होता है कि कुछ ऐसी दवाएँ आती हैं जिसको मैंने कभी स्ट्रक्चर में पहले नहीं यूज़ किया होता है, लेकिन नो डाउट रिपर्टरी बताती है तो उसे यूज़ करना पड़ता है और एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, ये दवा भी स्ट्रक्चर में काम करती है। नेट्रेमोर को स्ट्रक्चर में हमने कभी पहले यूज़ नहीं किया था, लेकिन पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ, 3-4 महीनों से कुछ केसेज में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड स्टेफिसग्रिया। यदि क्लियर कट मेंटल सिम्टम मिलते हैं, कॉजेशन कन्फर्म होता है, सिम्टम्स कोरिलेट हो जाते हैं, स्टेफी बहुत अच्छा काम करती है। सो दैट्स वाई पेशेंट टू पेशेंट हर एक मरीज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है अलग होती है। हाँ, ऑर्गेनिक मेडिसिन जिससे आपको आराम मिल जाए वो एक हो सकती है। सिम्टोमेटिक आराम स्ट्रक्चर के केसेज में देना आसान होता है, बीमारी ठीक करना मुश्किल काम होता है। कम टू द पॉइंट, जो हमने ये बताया कुछ कारण होते हैं जिसके कारण की वजह से आपको स्ट्रक्चर डेवलप होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है कि कई लोगों ने पूछा हमसे कि स्ट्रक्चर डेवलप कैसे होता है। ठीक है, कोई भी नॉक्सियस एजेंट, चाहे वो ट्रॉमा के फॉर्म में, चाहे इन्फेक्शन के फॉर्म में, चाहे मैकेनिकल इंजरी के किसी भी फॉर्म में, यदि यूरेथ्रा में सेटल होता है तो वहाँ की जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो इंजर्ड होती हैं। जैसे आपकी स्किन है, स्किन में कोई इंजरी हो गई, इंजरी के बाद से वहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल हुआ, स्क्वैमस एपिथेलियम में स्क्वैमस मेटाप्लेजिया नाम की चीज़ डेवलप होती है। मेटाप्लेजिया मतलब ग्रोथ। स्क्वैमस मेटाप्लेजिया के डेवलप होने के बाद से उसमें फिसर टाइप की चीज़ डेवलप होती है, यानी कि ये नली है, इसमें फिसर डेवलप हो गया। अब यहाँ देखिए मरीज की किस्मत कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि वो फिसर लॉन्गिट्यूडिनल हुआ और यदि वो फिसर लॉन्गिट्यूडिनल होकर हील हो गया तो मरीज को इन्फेक्शन भी हुआ, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया भी हुई, फिसर भी डेवलप हुआ, फिसर मतलब एक क्रैक हो गया, और उसके बाद हील हो गया, मरीज को स्ट्रक्चर नहीं हुआ। लेकिन यदि वो कट जो है, यानी कि वो जो फिसर है, वो लॉन्गिट्यूडिनल ना होके ट्रांसवर्स हुआ और ट्रांसवर्स होने के बाद हील हो गया तो भी उसको स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, लेकिन यदि वो ट्रांसवर्स हुआ और ट्रांसवर्स होने के बाद से वहाँ फर्दर फाइब्रोसिस हुई तो फर्दर फाइब्रोसिस के बाद से ये पूरी ने कार्पस स्पॉन्जियोशियम लेयर जब यदि इन्वॉल्व हो गई तो ये पूरा कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इसी को सिकुड़न कहते हैं। जो लोग अक्सर बात करते हैं मूत्र नली निंदा, तो वो कुछ और नहीं होती है। यदि ये ट्यूब है, इस ट्यूब में यदि लॉन्गिट्यूडनल फिसर डेवलप हो रहे हैं और हील हो जा रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा है, लेकिन यदि आपको ट्रांसवर्स फिसर डेवलप हुए, वहाँ फाइब्रोसिस डेवलप हुई और फाइब्रोसिस डेवलप होने के बाद से भाई आपकी स्किन पर जब कट लगता है तो उसके जो फाइब्रोसिस डेवलप होती है उसके निशान होते हैं। फाइब्रोसिस यदि हो जाती है तो उसकी वजह से वहाँ थोड़ी सिकुड़न हो जाती है और यहीं सिकुड़न पे प्लैक्स के फॉर्मेशन होने लगते हैं। प्लैक्स का एक वीडियो जो मैं पैरलर में दे रहा हूँ, उसको देखिए किस तरह से यहाँ कलेक्शन होता है और कलेक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जितना ही टाइम गुजरता है उतना ही सीवियरिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जो मरीज की टेंडेंसी होती है ये भी बहुत डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के ऊपर हुआ सारा प्रोसेस सबके साथ, लेकिन डेवलप किसी एक के साथ ही ज़्यादा हुआ सबके साथ एक। इसीलिए हर एक पेशेंट की थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग अलग होती है इन्फेक्शन कैच करने को या फिर इन्फेक्शन को टर्मिनल तक ले जाने के लिए, यानी कॉम्प्लिकेट करने के लिए। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट ऑफ ए पर्सन, और ये एलोपैथी में समझना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग होम्योपैथी में ये बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट ऑफ ए पर्सन इज़ मोस्टली लीड्स टू आर अ डिजीज़, और इस फिनोमेना को जब तक सेटल नहीं किया, आप कट करेंगे, निकालेंगे, क्लियर करेंगे, इट्स ओके, फिर दोबारा आप उस नली को क्लियर करेंगे, ठीक है, आप ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी करेंगे, ठीक है, आपने यूरेथ्रोप्लास्टी कर दी, ठीक है, लेकिन आप टेंडेंसी को नहीं बदल पाए हैं। टेंडेंसी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट ऑफ अ पेशेंट टुवार्ड्स द डिजीज़ फॉर्मेशन। सो दैट्स वाई होम्योपैथी ही एक प्रॉपर सोल्यूशन है, और विश्वास मानिए आपके नियर बाई बहुत से ढेर सारे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो उसका इलाज कर सकते हैं। ये अलग बात है, हर एक पेशेंट, हर एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, डेरा में होम्योपैथी से।